हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू टेक इट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन करता है, आपको कुछ भी सिखाता है, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियोस में आपके लिए संडे और वेंसडे को लेते आता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियो में, उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करें बिना गूगल किए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर किसकी टेरिटरी है। चार ऑप्शन है आपके सामने, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है यहाँ पर, यानी कि जिब्राल्टर की जल संधि, और इस स्ट्रेट का नाम एक टेरिटरी के नाम के ऊपर रखा गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये रहा जिब्राल्टर। तो आपको ये बताना है कि ये किस कंट्री की टेरिटरी है। आपके सामने चार ऑप्शंस ये हैं। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है, अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस आइलैंड को कहा जाता है आयरलैंड, और ये आइलैंड बटा हुआ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। लेकिन सवाल ये है कि आयरलैंड दो हिस्सों में क्यों बटा हुआ है। इसका जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंग्लैंड का आयरलैंड में इन्वॉल्वमेंट 12th सेंचुरी में एंग्लो नॉर्मन इन्वेजन से हुआ, और ये इन्वॉल्वमेंट 20th सेंचुरी तक चलता रहेगा। इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों ही जगह कैथलिक पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन 16th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के साथ ये बदलने वाला था। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि कैथलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की दो अलग ब्रांचेस हैं। 1534 में इंग्लैंड के राजा हेनरी द 8th ने रोमन कैथलिक चर्च से नाता तोड़ दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। इसका मतलब था कि आयरलैंड अब एक प्रोटेस्टेंट राजा के द्वारा रूल किया जाएगा। फिर 1609 में जेम्स द 1st के राज में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन को आयरलैंड के नॉर्दर्न रीजन में स्थापित करना स्टार्ट किया गया। इस इवेंट को अल्स्टर प्लांटेशन के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि आज भी हम नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन को मेजॉरिटी में देख सकते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग राजाओं के राज में आयरिश लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, और इसी वजह से आयरलैंड में धीरे धीरे फ्रीडम मूवमेंट्स होने लगे। तो इन फ्रीडम मूवमेंट्स को कुचलने के लिए ईयर 1800 में एक्ट ऑफ यूनियन कानून के तहत आयरलैंड को औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया गया। लेकिन फिर लेट 1840s में होता है एक बड़ा इवेंट। आयरलैंड में एक खतरनाक फेमाइन आया, यानी कि एक अकाल आया, जिसको आयरिश पोटेटो फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस फेमाइन के प्रति बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड देखा गया, और इस अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड को देखकर आयरिश लोग तंग आ गए, और इसी वजह से आयरलैंड में नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई। 1870 में आयरिश होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि वर्ल्ड वॉर 1st के आखिर तक चला, और फिर फाइनली 1921 में ब्रिटिशर्स थोड़ा बैकफुट पर आए और एंग्लो आयरिश ट्रीटी साइन की गई। इसके तहत आयरलैंड को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि अब आयरलैंड इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, लेकिन उनका हेड ऑफ द स्टेट अभी भी इंग्लैंड का मोनार्क ही रहेगा। लेकिन जैसा कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट डोमिनेंट रीजन था, तो उसको अभी भी यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा बनाए रखा। डोमिनियन का दर्जा बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, इसीलिए 1937 में एक रेफरेंडम यानी कि एक जनमत संग्रह हुआ, और एज अ रिजल्ट आयरलैंड एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और इसका ऑफिशियल नाम अब हो गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसके बाद काफी टाइम तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर से 1960s-70s में हिंसक समय आया। इस हिंसा का कारण नॉर्दर्न आयरलैंड की डेमोग्राफी को माना जा सकता है। नॉर्दर्न आयरलैंड में 1/4 पॉपुलेशन कैथलिक्स की है। ये लोग ब्रिटेन को एक ऑक्यूपाइंग फोर्स मानते हैं और यूनाइटेड किंगडम से अलग इंडिपेंडेंट आयरलैंड की मांग करते हैं। इन लोगों को वहां रिपब्लिकन्स या फिर नेशनलिस्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी की जो प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन है उनको लॉयलिस्ट या फिर यूनियनिस्ट कहा जाता है, और वो यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट बने रहना चाहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में शांति और स्थिरता लाने के लिए ईयर 1998 में ब्रिटिश और आयरिश गवर्नमेंट के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गुड फ्राइडे अग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। इस समझौते से नॉर्दर्न आयरलैंड में शांति कायम रही, फिर भी ब्रेग्जिट के साथ कुछ तनाव जरूर आया। चलिए अब इनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जल्दी से देख लेते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक ही आयरलैंड के पार्ट हैं। ऊपर के हिस्से को नॉर्दर्न आयरलैंड और बचे हुए हिस्से को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या फिर आयरलैंड कहा जाता है। तो अगर कोई सिर्फ आयरलैंड कहता है तो वो प्रोबेबली रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर रहा है। सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की बात करें तो नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड खुद में एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक यानी कि एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। नॉर्दर्न आयरलैंड का हेड ऑफ द स्टेट यूनाइटेड किंगडम का मोनार्क होता है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। गवर्नमेंट की बात करें तो नॉर्दर्न आयरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र है,
और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि संसदीय लोकतंत्र है। रिलीजन की बात करें तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट डोमिनेंट और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कैथोलिक डोमिनेंट है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन ब्रेग्जिट के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया है। करेंसी, यूनाइटेड किंगडम के बाकी हिस्सों की तरह नॉर्दर्न आयरलैंड की करेंसी पाउंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की करेंसी यूरो है, यूरोपियन यूनियन के बाकी मेंबर्स की तरह। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या कैसा लगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।